जय हिंद, जय भारत दोस्तों। दोस्तों जो रिश्ते हो वो हीरे की माफिक हो, दिखने में चाहे छोटे हो लेकिन कीमती और अनमोल हो। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज नाश्ता में। दोस्तों रंगों की अपनी एक दुनिया होती है और हमारी दुनिया इन रंगों के बिना बेरंग होती है। लेकिन दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे आपकी बाइक हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, इन सबके जो टायर होते हैं उनका एक ही रंग होता है, यानी कि काला रंग। दोस्तों इस रंग बिरंगी दुनिया में आखिर इन टायरों ने क्या बिगाड़ा कि जो इनका रंग आखिर काला ही होता है। दोस्तों जो रबर का इतिहास है वो काफी पुराना है। दोस्तों जब रबर की खोज हुई और उससे टायर बनाए जाने लगे तो ये टायर दोस्तों बहुत जल्दी घिस जाते थे। तब इस समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, रिसर्च की और पता चला कि यदि इस रबर में कार्बन और सल्फर की मात्रा को मिला दिया जाए तो ये जो रबर है ये काफ़ी मजबूत हो जाता है और इससे बनने वाले टायर काफ़ी समय तक चलते हैं। दोस्तों रबर का प्राकृतिक रंग काला नहीं होता है, जब इसमें कार्बन और सल्फर की मात्रा मिला दी जाती है तो इसका रंग काला हो जाता है। दोस्तों अब जो कार्बन होता है वो भी अलग अलग श्रेणियों का होता है। अब रबर सख्त या मजबूत होगा ये कार्बन की मिलाई जाने वाली मात्रा पर निर्भर करता है। दोस्तों जो मुलायम रबर होता है वो मजबूत होता है लेकिन ये जल्दी घिस जाता है, लेकिन जो सख्त रबर होता है वो काफ़ी समय तक नहीं घिसता है और एक लंबा चलता है, यानी इसकी जो उम्र होती है वो ज़्यादा होती है। दोस्तों जो कच्चा रबर होता है वो हल्के पीले रंग का स्लेटी होता है, लेकिन दोस्तों ये कच्चा रबर जैसे मैंने बताया कि उतना ज़्यादा चलता नहीं है, तो इस रबर को मजबूत, टिकाऊ और इसकी उम्र को अधिक बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई दी जाती है। ये कार्बन काले रंग का होता है इसलिए टायर का रंग भी काला हो जाता है। दोस्तों रबर में कार्बन की मात्रा मिला देने से काफ़ी फायदा हुआ। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जहाँ साधारण रबर से बना हुआ टायर 10,000 किलोमीटर चलता है, तो वहीं जब इस रबर में कार्बन और सल्फर की मात्रा मिलाकर इसका टायर बनाया जाता है तो वो टायर 1,00,000 किलोमीटर चल सकता है। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रबर में कार्बन और सल्फर की मात्रा मिलाने पर हमें कितना फायदा होता है और इस टायर की उम्र कितनी लंबी हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की साइकिल होती है उनके टायरों का रंग लाल, पीला, नीला यानी रंग बिरंगे होते हैं। तो दोस्तों जो ये बच्चों की साइकिल होती है उनमें हवा नहीं भरी जाती है, ये ठोस रबर के बने हुए होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत दम दिखाते हैं। वैसे भी दोस्तों बच्चे इनका उपयोग हल्के रूप से ही करते हैं, कोई ज़्यादा इनसे परिवहन नहीं होता है इसलिए ये जल्दी घिसते नहीं है और थोड़ी बहुत इनकी उम्र ज़्यादा होती है। बात करें दोस्तों बड़े परिवहन के साधनों के टायर रंगीन बनाने की, तो दोस्तों सीधी सी बात है जब इन वाहनों के लिए रंगीन टायर बनाए जाएंगे तो रबर में आपको कच्चे माल के रूप में यानी रंगीन किसी अन्य पदार्थ को मात्रा को मिलाना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों सीधा असर कार्बन और सल्फर की मात्रा पर पड़ेगा और इसका दोस्तों सीधा असर जो टायर है उसकी उम्र और उसकी मजबूती पर पड़ेगा। दोस्तों जब आप टायर को जलाते हैं तो उसमें से काला सा धुआं निकलता हुआ आप देखते होंगे। दोस्तों ये जो धुआं होता है वो कार्बन का ही होता है। वैसे दोस्तों आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि दोस्तों भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि टायर की उम्र पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े यानी टायर लंबा चले और उसे रंगीन भी बनाया जा सके, तो बिल्कुल आपको भविष्य में हो सकता है रंगीन टायर भी देखने को मिले। यदि ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो आपको ज़रूर रंगीन टायर देखने को भविष्य में मिलेंगे। आशा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।